बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान पर दोबारा हमला करने की साजिश में मुंबई पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है। 30 साल के दीपक गोगलिया उर्फ जोनी वाल्मीकि को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो सलमान खान के घर के सामने फायरिंग मामले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने एक्टर पर दोबारा हमला करने की साजिश रची थी। पुलिस से मिली जानकारी की माने तो ये लोग पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। बीते शनिवार को इस मामले में नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों की पहचान धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नाई, वास्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 115, 120 बी, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी ब्राड समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बीते शनिवार दोपहर पुलिस ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई जानकारी दी। पनवेल जोन 2 के DCP विवेक पंसारे ने कहा, सलमान खान की हत्या की प्लानिंग को लेकर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। काफी जानकारी निकालने के बाद हम लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए सोशल मीडिया ग्रुप में ऐड हुए और ग्रुप में जुड़ने के बाद वहां से जानकारी इकट्ठा करते गए। फिर 24 अप्रैल को हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु से चिकना शूटर को गिरफ्तार किया। मामले में अभी भी 10-12 आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले पर पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को टर्की मेड जिगना पिस्टल से मारने का प्लान बना रहे थे। इसी पिस्टल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर किया गया था। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी अटैक करने के लिए पाकिस्तान से सप्लायर के जरिए भी हथियार मंगवाने की योजना बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमलावर AK-47, M16 और AK-92 मंगवाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने एक्टर के फार्म हाउस और कई शूटिंग स्पॉट समेत गोरेगांव फिल्म सिटी की भी रेकी की थी। पुलिस को इनके मोबाइल से ऐसे कई वीडियोस भी बरामद हुए हैं। कई फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। इन चारों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की। इनमें से अजय कश्यप ने पाकिस्तान में रहने वाले डोगर नाम के शख्स से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया और सलमान खान पर अटैक करने के लिए वहां से AK-47 मंगवाने वाले थे। वही गिरफ्तार हुए आरोपी सलमान खान की हत्या की साजिश रच रहे थे और इसे लेकर पुलिस के खास पुख्ता सबूत है। पुलिस के मुताबिक अरेस्ट हुए ये सभी आरोपी गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी के संपर्क में भी थे। पुलिस ने यह भी आशंका जताई कि चारों सोशल मीडिया पर जुड़े अपने फॉलोअर्स का भी इस हत्या को अंजाम देने के इस्तेमाल में करते थे। सभी आरोपियों के बीच कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने वाला अजय कश्यप है। अजय हथियारों की स्मगलिंग में भी शामिल था। पाकिस्तान से जुड़े एंगल से भी जांच की जा रही है। वहीं इसके अलावा पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, थाने पुलिस और पुणे और गुजरात से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के तकरीबन 60-70 गुर्गे सलमान खान पर नजर रखे हुए थे। ये नाबालिगों के जरिए सलमान पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। अटैक के बाद इनका प्लान वोट के जरिए कन्याकुमारी से श्रीलंका भाग जाने का था। इससे पहले बीते 14 अप्रैल को भी सलमान खान के बैंड्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने सुबह करीब 5 बजे फायरिंग की गई थी। 2 बाइक से आए हमलावरों ने 5 राउंड फायर किए थे। फायरिंग के वक्त सलमान खान अपने घर में ही थे। घटना के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। घटना वाले दिन ही सोशल मीडिया पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। हमले के 2 दिन बाद ही दोनों हमलावर गुजरात से गिरफ्तार किए गए। शूटरों से हुई पूछताछ में भी दोनों ने लॉरेंस गैंग से ही इस काम के लिए सुपारी मिलने की बात कबूल की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई भाइयों को इस केस में आरोपी बनाया और अब वो लॉरेंस की पूछताछ की तैयारी कर रही है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहीं जून 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान खान के पिता सलीम खान जब घर लौटे थे तब उन्हें एक अज्ञात पत्र मिला था जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में लिखा गया था कि तेरा मूसेवाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। इसके बाद सलीम खान ने अपने सुरक्षा कर्मी की मदद से पुलिस से संपर्क किया और बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया। वहीं पिछले साल मुंबई पुलिस ने फोन कर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले को हिरासत में लिया था। धमकी देने वाला 16 साल का एक नाबालिग था। उसने मुंबई पुलिस को एक कॉल के जरिए धमकी देते हुए अपना नाम रॉकी भाई बताया था। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और 30 अप्रैल को सलमान खान को मार देगा। वहीं पिछले साल ही जोधपुर के रहने वाले धाकड़ राम ने सलमान के ऑफिशियल मेल पर 3 ईमेल किए थे। इसमें लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर 13 है, तू जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। वहीं जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब पकड़ा तो दोनों ने खुद को सलमान का फैन बताया। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। इस वजह से दोनों पर FIR भी दर्ज की गई। सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर काफी समय से हैं। वहीं वर्क फ्रंट पर सलमान की अगली फिल्म सिकंदर है जिसकी अनाउंसमेंट इस साल ईद पर की गई थी। इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर AR मुर्गाडॉस डायरेक्ट करेंगे जो इससे पहले गजनी, हॉलीडे और अकीरा जैसी हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। वहीं साजिद नडियावाला इसके प्रोड्यूसर होंगे। फिल्म में सलमान के अपोजिट पहली बार रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। वहीं सुनने में ये भी आया है कि बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले एक्टर सत्यराज इसमें विलन का रोल अदा करेंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।